हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। जब आप किसी फंक्शन मार्केट या मॉल में अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तब हमारे फ़ोटो के बैकग्राउंड या साइड में कुछ ऐसे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे लोग आते हैं जिसे आप अपनी फ़ोटो से रिमूव करना चाहते हैं, पर आप रिमूव नहीं कर पाते। आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन बताऊँगा जिससे आप किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को अपनी फ़ोटो से रिमूव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इतना इजी डिज़ाइन करा है कि आपको किसी भी फोटो एडिटिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 क्लिक में आप फोटो से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में आके टाइप करना है टच रीटच, एंटर। ये फर्स्ट ऑप्शन है टच रीटच, जो 130 रुपीज का है। ये पेड एप्लीकेशन है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, जो फ्री वर्जन है, वहां से डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्री वर्जन पे लेके जाता हूँ और वहां पे बताता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे ही आप इसका फ्री वर्जन ओपन करेंगे, ये स्टार्टिंग में उसका लोगो आएगा और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ रही है, जिससे आप गैलरी को डायरेक्ट ओपन करके भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने कैमरे से फोटो को क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से गैलरी में जाऊँगा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, वही आपको फिर से एडिट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ये मैंने फुटबॉल का आपको दिखाया था, इसको मैंने सिलेक्ट करा और ये देखिए इसमें ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं आपको कुछ टूल्स का आइडिया दे दूँ। फ्रेंड्स, ये फ्री वर्जन है तो ऊपर एड्स आती रहेंगी। मैं आपको टूल्स का आइडिया देता हूँ। फर्स्ट टूल है लासो टूल, देन ब्रश, मूव, इरेजर एंड फिफ्थ वन है गो। मींस जब आप इसको रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है तो ऑब्जेक्ट रिमूव होगा। अब इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, आप लासो टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्रश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को कवर करना है और यहाँ से जो फिफ्थ ऑप्शन है स्टार्ट, इसको क्लिक करना है। ये देखिए जो फुटबॉल थी वो रिमूव हो चुकी है, पर उसकी शेडो अभी भी है। तो फिर से आप टूल को सिलेक्ट करेंगे और उस शेडो को सिलेक्ट करने के बाद फिर से गो करना है। ये देखिए शेडो भी पूरी तरह रिमूव हो चुकी है। अब इस फोटो को सेव करने के लिए जो सिक्स्थ ऑप्शन है, ये सेव की, वहां पे क्लिक करना है एंड सेव टू लाइब्रेरी। यहां से आप रीनेम कर सकते हैं इसको, एडिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं फुटबॉल लिख देता हूँ एंड डन। ओके, देखिए फाइल सेव टू योर लाइब्रेरी। यहाँ टॉप लेफ्ट में जो फोल्डर की ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे देन लाइब्रेरी। या अगर कैमरे से भी क्लिक करना चाहते हो तो उस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। अब मैं आपको ये फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। मैंने सेकंड फोटो को सिलेक्ट करा, आप इसको जूम भी कर सकते हैं जिससे आप क्लियरली देख सके। अब देखिए ब्रश टूल को कैसे यूज़ करना है। यहाँ से मैं इसका फ्रेम थोड़ा बढ़ा देता हूँ और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको यहाँ पे देखिए लेके जाइए ब्रश को और सिलेक्ट कर दीजिए वो सारा एरिया एंड अगेन स्टार्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको यहां से यूज करके सिर्फ 2-3 क्लिक्स में ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये जो थर्ड टूल है मूव, इससे आप अपनी फोटो को अप एंड डाउन इजिली मूव कर सकते हैं एडिट करने के लिए। फोर्थ टूल में इरेजर है। जैसे बाय चांस आपसे गलत ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया तो आप उसको इरेजर से रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, इसको यूज़ ज़रूर करिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।